सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता सैयद नासिर हुसैन का कर्नाटक राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद उनके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ये वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस का जुनून डेंजरस है। देखते ही देखते कई और नेताओं ने भी ये वीडियो ऐसे ही क्लेम के साथ ट्वीट किया। टीवी 9 कन्नडा, रिपब्लिक कन्नडा और पब्लिक टीवी जैसे मीडिया आउटलेट्स ने भी ये क्लिप ऐसे ही दावे के साथ शेयर की। इसके दो दिन बाद पुलिस ने एक कांग्रेस समर्थक को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। वहीं उनकी आवाज का नमूना भी लिया गया ताकि वायरल वीडियो के ऑडियो की जांच की जा सके। ऑल्ट न्यूज ने इस मामले में छानबीन शुरू की। ये वायरल क्लिप न्यूज फर्स्ट कन्नड़ की है। इसी आधार पर हमने उनकी वीडियो रिपोर्ट्स देखी और हमें ये वीडियो मिला। ये वीडियो ध्यान से देखने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि इसमें नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। ऑल्ट न्यूज ने कथित वीडियो स्लो मोशन में भी प्ले किया, जिससे ये बात साफ हो गई कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं बल्कि नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। हमें मधु एम नामक पत्रकार का ये ट्वीट भी मिला, जिसमें बताया गया है कि कांग्रेस सांसद के समर्थक नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वहीं हमने घटनास्थल पर मौजूद कुछ पत्रकारों से भी बात की, जिन्होंने बताया कि वहां पर पाकिस्तान समर्थक नारे नहीं लगे थे। यानी फिर एक वीडियो इस झूठे दावे के साथ शेयर किया गया कि सार्वजनिक जगह पर भीड़ ने पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए हैं, जबकि वीडियो ध्यान से सुनने पर साफ हो जाता है कि वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया गया था।